कोटपुतली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा स्थानीय व्यापार मंडल का समर्थन करते हुए विधायक और नगरपालिका द्वारा तानाशाही तरीके से मास्टर प्लान के नाम पर उन्हें उजाड़ने का जो काम किया जा रहा है उसके विरोध में तहसीलदार को ज्ञापन दिया। साथ ही पिछले दो वर्षों से जयपुर जिले में रुकी सेना भर्ती को जल्द से जल्द चालू करवाने के लिए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के नाम फैक्स, साथ ही साथ कलेक्टर के नाम कोटपुतली तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इसी क्रम में सत्ता के मद में चूर स्थानीय विधायक राजस्थान सरकार को चेतावनी भी दी गई। सर, आज ज्ञापन देने आए हो, आपने कई समस्याओं के लिए अवगत करवाया प्रशासन को, इस बारे में क्या है आपकी? देखिए, आज हम कोटपुतली में जो तहसीलदार महोदय को जो ज्ञापन दिया है वो सर्वप्रथम तो इस बात का है कि पिछले दो वर्षों से जो हमारे युवा जो आर्मी की जो एग्जाम हुआ करते थे, नए एग्जाम हुए, नए भर्तियां हुई, उसके लिए प्रधानमंत्री महोदय को, रक्षा मंत्री महोदय को और गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा है जल्द से जल्द ये भर्तियां करवाए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। और केंद्र और राज्य सरकार दोनों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया, काफी दो साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी युवाओं को वैकेंसियों के नाम पर सिर्फ आप अखबारबाजी कर रहे हैं, बाकी हमारे युवाओं को रोजगार जब देने की बात आती है तो आप पीछे कदम उठा रहे हैं। इसी संदर्भ में आरएलपी पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर इसका विरोध करेगी और हम सब लोगों की यही है कि हम हमारे युवाओं को इसके लिए रोजगार के लिए सरकार को जो आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी तो वो भी पकड़ेंगे ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। दूसरी बात, आप बरोबर धरने पे बैठे हैं कोटपुतली के व्यापारियों के साथ, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, दूसरा सबसे बड़ा जो इश्यू कोटपुतली का है, जिस प्रकार से कोटपुतली के व्यापारियों को उजाड़ा जा रहा है उसके संदर्भ में भी हमने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है कि आप कलेक्टर को और सीएम को ये अवगत कराएं कि किस प्रकार से कोटपुतली के अंदर भ्रष्टाचार का जो खेल खेला जा रहा है और भ्रष्टाचार की आड़ में अगर हमारे व्यापारी भाइयों को परेशान किया गया या किसी प्रकार की कार्रवाई की गई तो कोटपुतली की आम जनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी और ये एक जन आंदोलन बन चुका है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि आप इसमें हस्तक्षेप करते हुए हमारे व्यापार भाइयों को, उनको जिस प्रकार से उनके साथ कभी उनको अतिक्रमण कहा गया, कभी कुछ जो 700 वर्षों से रह रहे हैं जिस प्रकार से उनके साथ जो अनदेखी की गई है, आरएलपी पार्टी इन व्यापारियों के साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर अगर इन्होंने किसी ताकत या सत्ता के अभिमान के अंदर किसी प्रकार की कार्रवाई करने की कोशिश की तो हम सब लोग उसका कड़ा विरोध करेंगे और राज्य सरकार को फिर चेतावनी देना चाहते हैं कि आप समय रहते हुए सुधरें वरना राजस्थान में बहुत बड़े आंदोलन होने की संभावना जो कोटपुतली क्षेत्र से बनी हुई है, इसके संदर्भ में आप इस पर प्रश्न ज्ञान लें। और जिस प्रकार से यहां का राज्य मंत्री मनमानी तरीके से, कभी तो एक तीसरा जो ज्ञापन था वो बीडीएम हॉस्पिटल जो हमारे दानदाताओं ने दी और उनके बावजूद आज यहाँ के जिस प्रकार से राज्य मंत्री ने जो यहाँ से आम रास्ता बीडीएम हॉस्पिटल में देने की बात की तो कोटपुतली के युवा, बुजुर्ग, नौजवान, मातृशक्ति सभी एकजुट है कि किसी भी सूरत में हम बीडीएम हॉस्पिटल से रास्ता नहीं खुलने देंगे ताकि हमारे जो